ये है उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह। इन मंत्री जी का पहले आपको परिचय करा देते हैं। जी हाँ, ये मंत्री जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पोते और एटा सांसद राजवीर सिंह राजू के बेटे। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन बड़े ही दुख की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री को ये भी नहीं पता कि इस साल हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मंत्री जी खुद अपने मुख से ये बात कह रहे हैं। एक बार सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जनपद अलीगढ़ की समस्त जनता, इस वर्ष हम सभी भारतीय गणराज्य का 65वां गणतंत्र दिवस। वाह मंत्री जी वाह, आपको ये भी नहीं पता, वैसे तो आप शिक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस साल हमारा 69वां गणतंत्र दिवस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जरा इधर भी ध्यान दीजिए, आपके मंत्री जी को ये तक नहीं पता कि हमारा आज 69वां गणतंत्र दिवस है। चलिए आपको पूरा माजरा एक बार फिर से बताते हैं। जी हाँ, अलीगढ़ गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने उद्बोधन में कहा कि जिन महापुरुषों ने अंग्रेजी की गुलामी से हमें आजादी दिलाई, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की जवान एकदम फिसल गई। 69वां गणतंत्र दिवस। उन्होंने 69वें गणतंत्र दिवस को बताया 59वां गणतंत्र दिवस। अलीगढ़ गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में चल रहे समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उद्बोधन में कहा कि जिन महापुरुषों ने अंग्रेज की गुलामी से हमें आजादी दिलाई, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी दौरान शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने 69वें गणतंत्र दिवस को 59वां गणतंत्र दिवस बताया। देश के 69वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, जिन महापुरुषों ने अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी दिलाई हो, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सरकार में पुलिस की अहम भूमिका है, इसलिए पुलिस को भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे जनता में विश्वास पैदा। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है, जिससे यह देश प्रगति की ओर अग्रसर हो। सरकार ने पारदर्शिता बरतने के लिए सभी विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था की है। सरकार का प्रयास है विश्व पटल पर भारत एक मजबूत शक्ति बनकर उभरे। उद्बोधन के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जब उन्होंने 69वें गणतंत्र दिवस को 59वां गणतंत्र दिवस बताया, वहीं उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। भारतीय राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जनपद अलीगढ़ की समस्त जनता, इस वर्ष हम सभी भारतीय गणराज्य का 69वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश के महापुरुषों के अथक प्रयास, प्रेरणा एवं बलिदान के फलस्वरूप अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर हम सभी एक समान नागरिक का जीवन जी रहे हैं। आजादी दिलाने के लिए
एवं बलिदान दिया गया है उनको आज अलीगढ़ जनता की धरती की जनता की ओर से मैं नमन एवं वंदन करता हूं। आजादी का पर्व मनाना हम सब के लिए गौरव की बात है, किंतु हमें अपनी आजादी के गर्वों को एवं महापुरुषों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे देश में हमारे लिए सर्वोपरि आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं विश्वास, बंधुत्व ही हमारे देश की परंपरा रही है। बड़ा ही अच्छा अनुभव था और मैं सभी अपने देशवासियों को 69वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन पर्व पे मैं अपने सभी देशवासियों से ऐसी कामना करता हूं कि वे सभी एकता से रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और भारत को एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। मेरी तरफ से जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि भारत का गणतंत्र दिनों दिनों मजबूत बनकर उभरे। देखिए, बहुत भव्य परेड हुई और मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी अलीगढ़ के निवासियों को, नागरिकों को, अपने भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारा गणतंत्र दिनों दिन मजबूत होता रहे और एक दिन ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत होकर उभरे। इस खबर की कवरेज के लिए आलोक गौर के साथ प्रकाश सिंह, एबी लाइव न्यूज़, अलीगढ़।